शोनू कैसा लगा आपको सूट? बहुत अच्छा, मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ, हमेशा हमारे से ही लेके जाते हैं। ये वाला नॉर्मल साइज है। ओए बच्ची बन गई क्या? कौन सा वाला जी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? और आज सूरज की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता होगा इनका थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। और थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, अभी इनको फीवर भी हो रखा है। तो फिर आज जाएंगे शॉपिंग करने? नहीं चलते। और इनको बुखार हो रहा है, फिर भी ये बोल रहे हैं कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं, क्योंकि ईद भी बिल्कुल पास आ गई है, है ना? और इनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा गंभीर हालत हो रखी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं, कल तो हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा मेरे को थोड़ा सा चोट लग गया था, थोड़ा सा चोट, और यहाँ भी लगा था, यहाँ इंटरनल लगा यार, ये जबड़ा भी दर्द हो रहा है, और यहाँ पर भी लगा था यार, ये भी बच गया थोड़ा सा, और अंदर अंदर भी लगे। पर कोई बात नहीं, ईद है तो अर्शी के लिए शॉपिंग करने चलते हैं। आज हम शॉपिंग का व्लॉग बनाएंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहो और चलो चलते जल्दी, फिर नहीं तो शॉप वगैरह बंद हो जाएंगे। चलो लेट्स गो। तो गाइस हम आ चुके हैं मॉल में। ये अर्शी का मॉल है, यहाँ देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। रश है यार यहाँ तो, पता नहीं क्यों इतनी भीड़ है। क्यों इतनी भीड़ है पता नहीं। अच्छा कौन सा वाला? ये वाला देख लो, अभी वहाँ भी है, पीछे भी लगा हुआ है, इधर भी है। शोनू कैसा लगा आपको सूट? बहुत अच्छा, मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ और अब दोबारा आई हूँ, क्योंकि यहाँ का स्टाफ जो है बहुत अच्छा है। अगर आपको भी बाय करना है कुछ, आप कृष्णा मार्केट में आ सकते हैं, और मैम की शॉप है यहाँ पर, नंबर शॉप है कृष्णा मार्केट सेक्टर 41 चंडीगढ़, और रेट बिल्कुल जेन्युइन है। मैम हमेशा हमारे से ही लेके जाते हैं और मैम को बहुत पसंद भी आते हैं, तो आप ट्राई करना, हम भी लेके जा रहे हैं, आप लोग भी आ जाना। चलो मिला, अच्छे लग रहे हैं ना? लेकिन ये मैचिंग के नहीं है। क्यों? ये रेड कलर है। उसके ऊपर हल्के लेने। सो गाइस दे देखते हैं क्या मिलता है अर्शी को। क्या मिलेगा? ये वाला ले लो, ये अच्छा लग रहा है। वो ले लो। ओए बच्ची बन गई क्या? कौन सा वाला जी? लव पर्पल। एक सेकंड, पैसे निकाल। गाइज आपको खाना होगा तो भैया के पास आना, यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। दो ले लो, 30 दे दो आप और जाए। कोई बात, 30 दो ले लेते हैं। मुझे नहीं खाना ना मीठा, मैं खा लेती हूँ भैया। बड़ा वाला भी। चलो इन्हें मैच कर लिया, और मैच मेरा मिल गया मैचिंग का। अच्छा लग रहा ना मेरी विंग के साथ? चलो पहना दो। बार्गेनिंग किया उससे, वेरी गुड। तो गाइस हम पापड़ खा रहे हैं अर्शी के लिए, पापड़ ले लो। पापड़ खाएंगे अब, बचपन याद आ गया, तुमने कहा ना पापड़। हाँ। कैसे खा रही, कुचरुम करके। सो गाइस ये हम ड्रीमी केचप देख रहे हैं, ये गाड़ी के लिए है। गाड़ी के लिए, हम भी तो गाड़ी लेने वाले हैं, अभी लेंगे, लेकिन जब लेंगे तब ले लेंगे ना। अच्छे होते ड्रीम केचप, मुझे अच्छे लगते हैं। मुझको भी पसंद है। ले लो गाइस, ताला ले लो, ये जूता भी ले लो एडिडास का, तुम्हारे लिए एडिडास, मेरे लिए। ये उसके लिए जिसको सपने नहीं आते, इतना बड़ा ड्रीम कैचर। ये मोटे बंदों के लिए ये बनाया गया है, इसे है ना अर्शी? सुंदर है ना? हैं? सुंदर है। चलो सो गाइस हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं, इसकी शॉपिंग करके। मुझको मैं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी। अर्शी का व्लॉग बनाने का बहुत चढ़ा हुआ है, तुम बना लो। मैं चोट लग गई गाइस। कैसे लग गई? कट लग गया। कट लग गया, चक्कू बोली बच्चा, इधर तो ठीक कर दो, लो ठीक हो गया। बचपन में ऐसे तो ठीक करते थे, ऐसे ऐसे हु हु ऐसे करके ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया। डॉक्टर की ड्यूटी नहीं होती थी। इधर मैं बनाता हूँ। तो गाइज हम अभी घर पहुंचे हैं और हमने सारा सामान ले लिया, जो मैंने ईद पे कपड़े पहने हैं, चप्पल जूते सब ले लिए ईद के लिए। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपना सूट डालने के लिए, क्योंकि वो बहुत प्यारा है, ईद का सूट बहुत बहुत अच्छा, सूरज की पसंद का है वो सूट, और वो बहुत अच्छा है, मैंने लिया है, आपको उसी में दिखाऊंगी मैं, ठीक है? अभी आप सीक्रेट रखेंगे, ईद का व्लॉग आएगा और उसमें दिखाऊंगी मैं आपको अपना सूट, अपना ईद का लुक दिखाऊंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और उसके बाद वेट करिए ईद की व्लॉग की, और ईद की व्लॉग में हम बहुत अच्छा
आपको डांस करके दिखाएंगे। सो गाइज, हमने अभी कुछ भी नहीं खाया बाहर। हमने सूरज का मन था कि हम घर पे जाके खाना बनाएंगे, मैं बनाऊंगी सूरज के लिए, क्योंकि उनको मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो वो पनीर लेके आया, कह रहे पनीर बनाओ मेरे लिए क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ का पनीर बहुत अच्छा लगता है। तो हम उसकी तैयारी करते हैं, पानी पुनी पीते हैं और फिर मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। चलो गाइज, आप सूरज से बात करो, ये ऐसे बैठे हैं। बहुत भूख लग रही है, मेरे आंख देखो गाइज, आंख देखो, मैं ऐसा लग रहा 3-4 दिन से सोया नहीं। देखना ये यहाँ हो गए तुम्हारी आंखें, ये क्या हुआ है? नील पड़ा हुआ है, ये भी मेरे आंख में नील क्यों पड़ा हुआ है? देखना कितना नील पड़ा हुआ है। गाइस क्या हो रहा है मेरे को? कल चोट लगा था ना मेरे को, कल से यार बुरा हाल। रात को नींद भी नहीं आया, आंख भी नील हो रखा है, भूख भी लग रही है मुझको। गाइस मैं पानी करके ठीक कर देता हूं। बच्चों कैसा लग रहा है? डर हो रहा है यहाँ पे? दिखाओ, हड्डी है वहाँ पे, हड्डी में डर हो रहा है। दिखाओ इधर करके मुंह अपना, यहाँ पे भी लगा है क्या? शुक्र बच गया, इधर नहीं डर लग रहा, शुक्र बच गया। गाइस क्या करे, कोई प्यार ही नहीं करता मुझसे, बाबू करते हैं तुमसे प्यार, कोई प्यार नहीं करता। ए, बस ऐसे करके थोड़ा होता है बाबू, मैं प्यार कल मैं गिर के आया और मुझको कोई डांट पड़ रही थी, ध्यान से नहीं चलाते, ये करते वो करते हो, तो डांटना पड़ता है सब कुछ। हम ही बताए क्या तुमको? कुछ पता नहीं चलता कैसे चलाते, इतना टाइम हो गया चलाते चलाते, फिर भी नहीं पता तुमको? कोई प्यार नहीं करता अभी। भूख लग रही है, जल्दी खाना बनाओ गुड्डू। तो गाइस हम खाना बनाएं, आप लोग जाओ अर्शी देखो कैसे खाना बनाती है, पनीर बनाएगी मेरे लिए, और जल्दी से खाना बनाओ, भूख लग रही है। बाबू चोट लग रही। तो गाइस हमारा पनीर रेडी है, हम तो सो गए। सोनू खाना बन गया बाबू, सोनू खाना बन गया बाबू, उठ जो, इनको उठाना मुश्किल जाता है, सोनू उठो, खाना बन चुका है बाबू। खा लूंगा यार, रुक जाओ, उठो ना प्लीज। हाँ, खाना खा लो ना, ऐसे अचानक से नहीं उठ सकता मैं, मेरे को उठ रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ। गाइस अब आप ही बताओ ये क्या हो गया, मैं मत करो किच किच यार, मैं कट्टी जाऊंगी तुमसे, उठो चलो। बाबू ऐसे नहीं उठाते किच किच करके, पता तुमको? उठ जाऊंगा, उठ जाऊंगा बोल तो रहा हूँ, एक ही बार में बंदा कैसे उठ जाएगा? अब डाल लो खाना खुना, मैं उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, प्लीज प्लीज ना, तुम्हारी नाक बंद कर दूं। सोनू ऐसे नहीं करते यार, सोनू उठो ना प्लीज, उठो ना। चलो गाइस इनको सोने देता हूँ थोड़ा सा, इनको भी पेन भी हो रहा है इनकी आंख में, इनकी सर में, तो अभी इनको थोड़ा सोने देती हूँ, तो बाद में खुद उठ जाएंगे, फिर मैं इनको खाना खिला दूंगा। भैया जी आप मुझे बताओ ईदी में मेरे को क्या गिफ्ट दोगे आप? जो आप बोलोगे वो। नहीं ऐसा नहीं होता, ईदी अपनी मर्जी से होती है, तो वो सरप्राइज है ना, अब मैं वीडियो में थोड़ा बताऊंगा, वो तो सरप्राइज है, अभी बता दूंगा तो पता चल जाएगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे होते ही नहीं। चाहे आप अपनी ऑडियंस से पूछ लो। सुनो तुम मेरे को क्या दोगे ईदी में? पहले थोड़ा ना बताते, हाँ जी, जो भी गिफ्ट क्या होता है बता के देने वाला थोड़ी ना होता है, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, कुछ भी वो तो सरप्राइज होता है। हाँ, कोई ऐसे बता के देता, तुम पूछोगे क्या दोगे, ऐसा नहीं होता। पर मैं बता के दूंगा, मैं क्या? बता के दूंगा, थप्पड़ दूंगा मैं तेरे को ईद में, पटाक पटाक। तो तुम्हें भी 4-5 थप्पड़ ही मिलेंगे है ना? तो मैं सबसे बोलना चाहती हूँ ये भी, आप भी बोल दो, जो भी घर पे आएगा ईदी लेके आना, हम हमारे लिए ईदी लेके आएगा मेरी बहू के लिए। बस वरना उसको खीर नहीं मिलेगा। उसको फिर नमकीन मिलेगा, उसको मीठा नहीं मिलेगा, है ना बाबू? भैया आप कहाँ गए थे आज, कहाँ से घूम के आ रहे हो आप? मैं आज गया था सोलन से, थोड़ा आगे गए थे, कोई वहाँ पे वाटरफॉल था और एक मंदिर मंदिर भी था ना, अश्वनी खड्ड। वाह अभी अभी याद आया ना। अच्छा जी, अश्वनी खड्ड मंदिर था और उससे 5 किलोमीटर पहले एक झरना था। तुम क्या मोए मोए कर रहे हो? प्रसाद नहीं लाए? नहीं मोए मोए। गलत बात है तुम्हारी, तुमने मेरा मोए मोए कर दिया। चलो सोने दे, चलो खाना खा लेते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, चलो। सो गाइस पनीर टेस्ट करते कैसा बनाया अर्शी ने। नाइस। ये पनीर किसने बनाया? किसने बनाया ये पनीर? किसने बनाया ये पनीर? आपने बनाया? आपने बनाया? वाह क्या पनीर बनाया, वाह मजा आ गया। सच में नहीं, झूठ में, झूठ बोल रहा हूँ मैं तो। सो गाइस चलो आप लोग भी खाना खाओ, मैं भी खाना खा लेता हूँ, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।